का सेकेंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। आई होप कि आपने ड्रामे का फर्स्ट पार्ट अच्छे से इंजॉय किया होगा। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था मेल और किम से गलती से किस हो जाता है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस किस होने के बाद मेल अपने रूम में भाग जाती है घबराकर, और फिर इसके बाद किम वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर वहाँ पे सोचता है कि ये उससे क्या हो गया है। उसके बाद वहाँ मेल से पेपर गिर जाता है और किम उसे उठाकर पढ़ने लगता है। उस पेपर में लिखा होता है कि तुम बहुत ही मुजोर हो और बदतमीज हो। किम यह सब पढ़कर हंसने लगता है। तो गाइस नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि मेल केक बनाते हुए किम के बारे में सोच रही होती है, और तभी वहाँ मेल का दोस्त रोज आ जाता है और मेल से पूछता है कि मेल तुम्हें क्या हुआ है। तभी मेल शॉक हो जाती है और गलती से यहाँ कह देती है कि उसने किसी को भी किस नहीं किया। पर रोज़ कहता है कि तुमने अभी कहा है और अजीब हरकत भी कर रही हो, मुझे लगता है कि तुमने ज़रूर किसी न किसी को किस किया है। फिर वह उसके बाद कहता है कि कहीं वो मुझे और इंसान तो नहीं जिसे तुमने किस किया। इतना सुनकर मेरी घबरा जाती है और उसके मुँह में स्ट्रॉबेरी खिलाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि किम ऑफिस का काम करने के लिए आता है, तो वहाँ पहले से ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है। यह देखकर किम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आज तुम्हें कोई काम नहीं है। इसके बाद किम की गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि हाँ उसे आज कोई भी काम नहीं है, और यह कहते हुए वो किम का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद किम कहता है कि यह यहाँ काम करने की जगह है, यहाँ पर ऐसा करना सही नहीं होगा। कहती है कि दूसरी औरत के साथ देखे जाने से तुम डर रहे हो। यह सुनकर किम कहता है कि अब यहाँ हमारे बीच में अब और कुछ भी नहीं है। पर लीता कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम मेरे पास फिर से आ जाओ, और किम को हक करने लगती है। पर किम उसे यहाँ कहकर रोक देता है कि यहाँ लंच टाइम है, चलो कुछ खाने चलते हैं। और तभी मेल और रोज भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें किम देख लेता है और मेली भी किम को देख लेती है। तो वहीं किम को किस वाली बात याद आ जाती है, वहाँ हंसने लगता है। और तभी किम की एक गर्लफ्रेंड भी वहीं खड़ी होती है, जो कि मेली को देखकर कहती है कि तुम तो वही लड़की हो जो किम को अपना बीएफ बता रही थी। यह सुनकर मेली का दोस्त रोज कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यह सुनकर मेली कहती है कि अपने बीएफ से पूछो हमारे रात के किसके बारे में, वो कैसा था। यह सुनकर किम और लीता हैरान हो जाते हैं, और मेली का दोस्त कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और यह देखकर मेली मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रोज मेल से पूछता है किसके बारे में, तो मेल कहती है कि वो तो सिर्फ एक्सीडेंट था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मेल की मॉम किसी लड़के को लेकर आती है मेल से शादी कराने के लिए। तो मेल उस पर कहती है कि मेरा एक पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तभी मेल की मॉम कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं देखा है, और कहती है कि यह तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का है। मेल उसे देखकर अजीब फेस बनाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मेली उसकी मॉम के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ उसे किम दिखाई देता है। तो वहाँ उसे बेबी कहकर बुलाती है और उसकी मॉम को अपना बॉयफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी मेली की मॉम किम से पूछती है कि क्या तुम सच में इसके बॉयफ्रेंड हो। तो किम सच बताने जा ही रहा होता है, पर मेली उसे किस कर लेती है उसके गालों पर। तो वहाँ रुक जाता है और कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मेल की मॉम के जाने के बाद किम मेली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसे बूबू कहकर बोलता है और कहता है कि यह तीसरी बार है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताया है। इस पर मेली कहती है कि इस बार का यहाँ वेस्ट नहीं गया है, और यहाँ कहकर वहाँ जाने लगती है। तो इस पर किम उसे रोकता है और कहता है तुम्हारी मॉम को पता लग जाएगा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह कहते हुए वहाँ उसे गले लगाने लगता है, तो मेली उसे मारने लगती है। किम कहता है कि तुम मेरे एहसानों को इस तरह से रिटर्न करोगी तो मैं तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करूँगा, तुम अच्छे से सोच लो। इतना कहकर वहाँ उसे उसके गालों पर किस कर लेता है और जाते हुए कहता है बाद में मिलते हैं पिसाई को लेडी, और हंसते हुए जाने लगता है। और मेली वहीं उस पर गुस्सा कर रह जाती है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेली लिफ्ट में जा रही होती है, तभी किम भी वहां पर आ जाता है। और जैसे ही किम को मेली देखती है तो वहां लिफ्ट का दरवाजा बंद करने लगती है, पर किम जल्दी से दौड़कर लिफ्ट के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम लिफ्ट का दरवाजा क्यों बंद कर रही थी, और यह भी कहता है कि तुम मुझे फिर से परेशान कर रही हो। इस पर मेली कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। तो तभी किम कहता है कि तुम मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। वो फाइट ही कर रहे होते हैं और तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। तो मेली दोस्तों डर जाती है और किम को गले लगा लेती है। फिर किम कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। यह सुनकर मेली किम से दूर हो जाती है और कहती है कि मेरा यहाँ मतलब नहीं था। उस पर किम कहता है कि सच में, पर तुमने मुझे बहुत ही टाइट पकड़ा था। किम कहता है हे तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए कोई स्पेशल फीलिंग है। तो मेली उसे नहीं कहती है और कहती है कि मैं डर गई थी इसलिए मैंने तुम्हें गले लगा लिया था। तभी किम कहता है मैं बीमार हो जाऊंगा तुमसे फाइट कर। और तभी मेली रोने लगती है और किम से कहती है कि मुझे क्लोसोफोबिया है, हमें और यहाँ पे कितना समय रुकना पड़ेगा। यह सुनकर किम कहता है कि मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। यह सुनकर मेली कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलना, और यह कहते हुए उसकी शर्ट पकड़ लेती है। किम कहता है ठीक है पर मेरी शर्ट तो छोड़ दो। तो मेली कहती है कि मुझे डर लग रहा है, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। तो किम कहता है कि ठीक है तुम मेरे पास ही रहो। उसके बाद बताते हैं कि किम मेली को डरने के लिए मना करता है, पर मेली को क्लोसोफोबिया होने की वजह से वहाँ सांस नहीं ले पाती है और बेहोश हो जाती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरा वीडियो देख सकें।